हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए आज की डॉक्टर न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड। स्मॉल वंडर्स मोंटेसरी एंड प्री स्कूल एक ऐसा प्री स्कूल है जो आपके बच्चों के दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। स्मॉल वंडर्स में बच्चों को बुक और पेंसिल से पहले चीजें महसूस कराई जाती है, जैसे शेप्स, कलर, अल्फाबेट्स, नंबर्स, जो कि बच्चों को सीखने और समझने में काफी आसान होता है। साथ ही शूलेस बांधना, शर्ट्स के बटन, बैग के बकल्स लगाना, ये सब सिखाया जाता है। आपके बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटी अभी से डेवलप करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए स्मॉल वंडर्स मोंटेसरी एंड प्री स्कूल एट मिठाई वाला अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, मिलत नगर 1, अपोजिट टोरेंट पावर, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। भिवंडी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मतदान जागरूकता अभियान। भारत सरकार युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र थाने द्वारा भिवंडी के बीएनएन कॉलेज में सभागृह में मतदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को अपने मत के अधिकार के बारे में जागरूक करना और वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की सुविधाओं के बारे में बताया गया। और इस कार्यक्रम में भिवंडी मनपा के निवर्णुक विभाग प्रमुख नितिन पाटिल और भिवंडी कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक वाघ भी मौजूद थे। भिवंडी पड़गा रोड पर हुआ सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। निम्बौली गांव फाटा के पास एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पार कर रहा था। इसी दरमियान तेज गति से आ रही ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर को टक्कर मारते हुए बीच सड़क पर पलट गई और ऑटो रिक्शा में बैठे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 लोगों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भिवंडी तालुका पुलिस इस दुर्घटना को रजिस्टर कर जांच में जुटी। टोरेंट पावर कंपनी द्वारा वुमेन्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन। टोरेंट पावर लिमिटेड ने महिला दिवस के मौके पर कंपनी की ओर से महिला कर्मचारियों के लिए भिवंडी के ओसवाल कॉलेज सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टोरेंट पावर कंपनी परिवार की 450 से अधिक महिलाएं मौजूद थी। बेस्पोक स्कूल क्रिएटिव मैनर्स की संस्थापक डॉक्टर नम्रता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। भिवंडी शहर की कामवाई नदी के ब्रिज से बोलेरो ट्रक का एक्सीडेंट। जानकारी के मुताबिक वंजारपट्टी नाके की तरफ से वाड़ा जा रहा ट्रक और अंबाड़ी की तरफ से आ रही बुलेरो कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बुलेरो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बुलेरो कार का दोनों एयरबैग खुल गया, जिससे कार चला रहा ड्राइवर बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक में फंसी बुलेरो कार को बाहर निकाला और उसे धक्का मारकर रोड के साइड में करवाया। एनसीपी अजीत पवार गुट को मिला भिवंडी शहर अध्यक्ष। एनसीपी शरद पवार गुट को बड़ा झटका। 2 पूर्व नगर सेवक एनसीपी अजीत पवार गुट में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले भिवंडी लोकसभा सीट पर शरद पवार गुट की दावेदारी पर भी असर पड़ने की संभावना है। बिना अध्यक्ष के चल रहे अजीत गुट को आखिरकार अपना अध्यक्ष मिल गया। पूर्व नगर सेवक कांग्रेस से एनसीपी और अब एनसीपी से अजीत पवार गुट में शामिल होने वाले अरशद अंसारी उर्फ अरशद फरिश्ते को अध्यक्ष के पद सुनील ताटकर ने दिया। शहर के पूर्व डिप्यूटी मेयर हुसैन सिद्दीकी को प्रदेश सचिव बनाया गया है और पूर्व नगर सेवक अजीत पवार गुट में शामिल होने वाले हैं। रियाज आजमी ने किया मोबाइल क्लिनिक लॉन्च। भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नई उपलब्धि आई है, जिससे मोबाइल क्लिनिक खोली गई और इसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रियाज आजमी ने किया। और इस क्लिनिक की खास बात यह है कि ये चलता फिरता रहेगा और लोगों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसकी फीस मात्र 10 रुपया होगी। रियाज आजमी ने कहा जनता इस फैसिलिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। गेट पर ताला न लगाने पर युवक का कान खा गई महिला। उत्तर प्रदेश आगरा के देवी नगर में रविंद्र यादव के मकान में कई किरायेदार रहते हैं। घर में एक किरायेदार रामवीर के बच्चे का सुबह 6 बजे से पेपर था। रामवीर अपने बच्चे को छोड़ने गया था, वो गेट पर ताला लगाना भूल गया। इसी बात पर पड़ोसी महिला से रामवीर का झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बड़ा कि महिला ने रामवीर का कान काट लिया और उसे निकल गई। ऑस्ट्रेलिया से हत्या कर हैदराबाद भाग आया पति। हैदराबाद की एक 36 वर्षीय महिला की ऑस्ट्रेलिया में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पति पर ही लगा। जानकारी के मुताबिक हत्या करने के बाद आरोपी पति बच्चे को लेकर हैदराबाद चला गया और ससुराल में पत्नी के माता पिता को बच्चे को सौंप दिया। पत्नी के शव को ऑस्ट्रेलिया में सड़क किनारे एक कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया था। महिला के माता पिता की जानकारी के अनुसार आरोपी पति ने हत्या की बात कबूल की है। चलती बस में दौड़ा 11,000 वोल्ट का करंट, 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के छूने से बस में आग लग गई। आग लगने के बाद बस धू-धू कर जल उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आज सेंसेक्स 616 अंकों की गिरावट के साथ 73,502 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 160 अंकों की गिरावट के साथ 22,332 पर हुआ बंद। गोल्ड 66,050 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 74,500, क्रूड 86,463 पे ट्रेड करते हुए।